सभी का सादर अभिवादन। आज हम कक्षा 9 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 2 के अंतर्गत बल और गति के नियम को पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको जड़त्व एवं जड़त्व के प्रकार के विषय में बताया था। आज हम न्यूटन का गति का नियम आपको बताएंगे। गतिमान वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने गति के 3 नियम ज्ञात किए। इन्हें ही न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति में है तो वह सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। अतः न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। कंबल की धूल झाड़ने के लिए उसे हम डंडे से पीटते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल डंडे के साथ गति करता है, परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर बने रहते हैं। फलस्वरूप धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं और ज़मीन पर नीचे गिर पड़ते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब हम खिड़की के शीशे में बंदूक से गोली मारते हैं तो उसमें एक गोला छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। आइए हम आपको बताएं कि ऐसा क्यों होता है। बंदूक की गोली तीव्र गति से निकलती है, वह शीशे के जिस भाग से टकराती है उसे अपने साथ ले जाती है। शीशे का बचा भाग जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही स्थिर बना रहता है, अतः शीशे में केवल एक छोटा गोल छिद्र होता है। परंतु हम जानते हैं कि जब पत्थर मारा जाता है तो पत्थर का वेग गोली के वेग से कम होता है, जिससे पत्थर को शीशा पार करने में अधिक समय लगता है। शीशे का शेष भाग भी हिल जाता है, अतः यह भाग गतिमान होने से चटक जाता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। हम आपको बताएं कि वह ऐसा इस क्यों करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि जब वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचेगा तो इससे गेंद का वेग कम हो जाएगा, जिससे उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी। एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जब हम बंदूक की गोली मारते हैं तो वह हमारे शरीर में घुस जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बंदूक से निकली गोली का वेग अत्यधिक होता है और शरीर से टकराने पर गोली का वेग अल्प समय में शून्य हो जाता है, जिससे वेग परिवर्तन की दर अर्थात मंदन भी अत्यधिक होता है, जिससे बल का मान बहुत अधिक हो जाता है और गोली शरीर में धंस जाती है। यदि गोली का वेग कम होता तो वह शरीर में नहीं घुस पाती। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आइए इसे उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जब हम बंदूक से गोली मारते हैं या जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक हमें पीछे की ओर धक्का देती है। ऐसा इसलिए होता है कि बंदूक से गोली दागने पर
गोली क्रिया बल के कारण आगे बढ़ती है, परंतु इसके प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप बंदूक स्वयं पीछे की ओर गति करती है। यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों का परिमाण बराबर होता है, परंतु बंदूक की तुलना में गोली बहुत हल्की होने के कारण अत्यधिक वेग से आगे बढ़ती है और स्वयं बंदूक कम वेग से पीछे की ओर करती है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। नाव से उतरते समय हम किनारे आ जाते हैं और नाव पानी में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम नाव से कूद कर जमीन पर आते हैं तो हम नाव को पीछे की ओर दबाते हैं। इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे चली जाती है, परंतु नाव द्वारा बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया बल मनुष्य पर लगता है, जिससे वह आगे कूद आता है और किनारों पर पहुंच जाता है। आज बस इतना ही, आगे इसके शेष भाग को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।